जल जीवन का आधार है। जल नहीं तो इस संसार में जीवन नहीं। ये जल पावन है, पवित्र है, किंतु जब ये जल वातावरण के संपर्क में आता है तो धूल, मिट्टी, कीचड़, व्यर्थ के पदार्थ, ये सभी उस जल को मैला कर देते हैं। अब उस जल का यदि शुद्धिकरण करना है तो हम उस जल को हिलाते नहीं, उसे शांत छोड़ देते हैं, और ऐसा करने पर वो जल अपने आप ही सभी अशुद्धियों को त्याग देता है, अपने आप स्वयं को शुद्ध कर देता है। अब यही हमारे मन के साथ भी होता है। इस संसार की समस्याओं से लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं हमारा ये मन मैला हो जाता है, इसमें नकारात्मकता आ जाती है। उस समय पे आपको क्रोधित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, शीघ्रातिशीघ्र कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस इस मन को शांत करना है, शांत चित्त से विचरण करना है। ऐसा करोगे अपने आप आपको ज्ञात हो जाएगा कि क्या अशुद्धियां हैं जो आप में प्रवेश कर चुकी हैं और क्या शुभ है जो आपको प्राप्त करना है। अपने आप ऐसा मार्ग निकाल लोगे जिससे इन अशुद्धियों को आप त्याग दो। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे।